हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल वेरी गुड ऑल आर फाइन एंड फिट गुड टुडे वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ़ एसएसटी आज हम एसएसटी का क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके बिफोर दैट टेल मी वन थिंग एक चीज़ बताइए मुझे आप मम्मा पापा के साथ घूमने जाते हो ना कभी समर वेकेशन में कभी विंटर वेकेशंस पे जाते हो ना आप कि मम्मा इस बार तो मेरा मन कर रहा है कि हम राजस्थान चलें मम्मा मेरा मन कर रहा है हम गोवा चलें तो यू विजिटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ना आप अलग अलग पार्ट्स पे जाते हो कि कभी गोवा कभी माउंटेन्स पे आप जाते हो कभी आप डेजर्ट एरिया में जाते हो लाइक like राजस्थान तो आपने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है टेल मी आपने वहाँ पे ये नोटिस करा है कि जो सारे ये वाले एरियाज हैं दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल जो क्या है इन एरियाज़ पे अलग अलग तरह की सॉइल होती है ठीक है जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दैट इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन द सेम वे इंडिया आल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल ओके इंडिया में क्या है अलग अलग तरह की सॉयल है बेटा अलग अलग पार्ट्स में ठीक है जैसे डेजर्ट एरिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल कॉस्टल एरियाज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स ठीक है माउंटेन्स एंड हिल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स सो इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑल्सो सो नाओ कैन यू गेस द नेम ऑफ द चैप्टर टेल मी

फर्स्ट इज़ सॉइल पहले हमने ये रीड करना है कि सोइल होती क्या है सोइल इज द टॉप लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ जो बेटा अर्थ का सरफेस होता है जो उसकी टॉप लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल उसको हम क्या बोलते हैं सोइल एंड वेयर प्लांट्स ग्रो एंड एनिमल्स लिव और जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स क्या कर रह उसके ऊपर रहते हैं सो दैट इज कॉल्ड सोइल इट इज़ ऑल्सो द लेयर दैट कंटेन्स वाटर कहते हैं ये वो वाली लेयर भी होती है जिसमें क्या होता है वाटर प्रेजेंट होता है ओके एंड इट इज कम्पोज ऑफ सैंड मड ह्यूमस एंड मिनरल्स किस चीज़ से कंपोज होती है ये सैंड मड ह्यूमस एंड मिनरल्स नाउ टेल मी हाँ वट डू यू मीन सैंड वट डू यू मीन बाई सैंड ओके सेंड इज़ अ लूज ग्रैन्युलर सब्सटांस जो लूज ग्रैन्यूलर सब्सटांस होता है बेटा जो कोर्सली होता है रफ होता है जब हम उसको हैंड में पकड़ते हैं तो हमें उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं फील होते हैं ओके नेक्स्ट इज मड मट इज़ अ सॉफ्ट एंड स्टिक्की मैटर क्या होता है ये सॉफ्ट एंड स्टिक्की मैटर नेक्स्ट इज ह्यूमस ह्यूमस क्या होता है डार्क ऑर्गेनिक मैटर दैट फॉर्म्स इन दॉयल जो सॉइल में बनता है वेन प्लांट एंड एनिमल मैटर डीकम्पोज जब प्लाट्स डेड प्लांट्स और एनिमल मैटर क्या हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज मिनरल्स मिनरल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड नेचुरली अक्रिंग इनऑर्गेनिक सबस्टांसिज मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ soil. Our नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ soil. अब हमने ये रीड करना है कि soil जो होती है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो कैसे बनती है ठीक है soil इज़ formed by weathering. जो soil होती है हमारी वो कैसे बनती है वैदरिंग से नो वट डू यू मीन बाई वैदरिंग वैदरिंग होती क्या है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स रॉक्स का टूटना दैट इज कॉल्ड वैदरिंग उसको हम क्या बोलते हैं वैदरिंग ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ वैदरिंग सॉइल इज कॉन्स्टेंटली फॉर्मड एंड डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कहते जब कॉन्टीन्यूस वैदरिंग होती रहती है मीन्स जो रॉक्स हैं बिल्कुल छोटे 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 पीसीज में टूटती रहती हैं और एट द लास्ट एंड लास्ट में आके वो क्या बन जाती हैं so, हमारी जो सॉइल है वो उनसे बन जाती है एंड इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और कहाँ पे डिपॉज़िट हो जाती है सॉइल फिर ऑन द सरफेस ऑफ़ द अर्थ दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द टॉप लेयर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दिस प्रोसेस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स और इस प्रोसेस को बेटा मिलियन्फ़ ईयर्स लगते हैं वैदरिंग को ये नहीं है कि एक साल में एक मंथ में हमारी सॉइल बन जाती है नो इच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स नो अब हमने ये तो बता दिया कि रॉक्स के टूटने से सॉइल बनती है अब आपने सोचा कि हमारी रॉक्स टूटती कैसे हैं इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स इतनी बड़ी बड़ी चट्टें कि वो टूटती कैसे हैं सो देयर आर टू वेज जिसके थ्रू हमारी रॉक्स क्या होती हैं ब्रेक डाउन होती हैं सो फर्स्ट इज़ बाय वाटर सेकंड इज बाय विंड कौन कौन से वेज हैं फर्स्ट इज बाय वाटर सेकंड इज बाय विंड so with the help of water fast flowing rivers carry rocks that grind against each other and break into smaller pieces कहते जब पानी जो है या फिर rivers में जो water होता है जो वो बहुत तेज speed से flow करता है तो वो अपने साथ क्या carry करता है rocks को carry करता है ठीक है जब रॉक्स जो है पानी के साथ कैरी होती हैं एंड देन दे क्लाइड भी ईच अदर तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती हैं टकराती हैं ठीक है देन दे ब्रेक इन टू स्मॉलर पीसीस उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं स्मॉलर पीसीज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसीज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर कहते हैं इनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कहते हैं एक लंबे टाइम के बाद ये पीसीज बिल्कुल क्या हो जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं ठीक है एंड फाइनली दे टर्न इनटू और एट लास्ट बिल्कुल लास्ट पे देन दे टर्न इनटू सैंड मड एंड सॉयल ठीक है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सॉयल में द रिवर्स कैरी दिस सॉयल विद दैम एंड डिपॉजिट इट ऑन द बैंक्स अलॉन्ग देयर वे ठीक है उसके बाद कहते हैं ये रिवर्स जो होती हैं उस सॉयल को अपने साथ कैरी करती हैं एंड डिपॉजिट इट ऑन द बैंक्स और किनारों पे डिपॉजिट करती जाती हैं जो भी किनारे उनके रास्ते में आते हैं अलोंग देयर वे तो इन दिस वे द दॉयल इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर now next is waves also cause weathering by continuously beating against rocks causing them to break कहते जो waves होती हैं waves मतलब लहरें होती हैं बेटा जो जैसे पानी की लहरें बनती हैं ना लहरें हम बोलते हैं कितनी अच्छी waves लग रही हैं तो जब वो waves बनती हैं ना पानी में तो उनमें बहुत ज़्यादा pressure होता है तो जब वो बहुत ज़्यादा pressure के साथ rocks के साथ टकराती हैं तो due to that pressure rocks जो होती हैं हमारी वो ब्रेक डाउन हो जाती है इन टू स्मॉलर पीसीस जो वो कॉन्टीन्यूसली रॉक रॉक्स के साथ टकराती रहती हैं वेव्स टकराती रहती हैं टकराती रहती हैं देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत लंबे टाइम के बाद हमारी रॉक्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं सो दिस वॉज आर फर्स्ट वे दैट विद द हेल्प ऑफ वाटर आर रॉक्स ब्रेक डाउन नेक्स्ट इज वाई विंड नेक्स्ट क्या है बाई विंड अब हमने रीड करना है कि विंड की हेल्प से कैसे रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं कहते विंड कैरीज़ द लूज पार्टिकल्स ऑफ मट एंड ग्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कहते जो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ जो लूज पार्टिकल्स होते हैं ठीक है उनको और ग्रेवल ग्रेवल जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपने साथ कैरी करती है विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दिज पार्टिकल्स क्रैश अगेंस्ट रॉक्स एंड माउंटेन्स कहते जो ये पार्टिकल्स हैं ये रॉक्स और माउंटेंस के साथ टकराते हैं विद ग्रेटर स्पीड ठीक है उसके बाद एंड रिजल्ट इन वेरिंग डाउन द एजिज ऑफ रॉक्स एंड माउंटेन स्लाइड्स ठीक है सो दिस वॉज आर सेकेंड वे दैट हाउ विद द हेल्प ऑफ विंड रॉक्स breaks down as you can see here in this diagram weathering takes place with the help of wind and water and then with uh, with the help of wind and water how these rocks carried from one place to another and after the formation of soil erosion takes place erosion means जो भी हमारा ब्रोकन मटीरियल है दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर एंड एट लास्ट इट गेट्स डिपॉजिटेड एट अ न्यू स्पॉट एट यू कैन सी हेयर द मटेरियल डिपॉजिटेड इन अ न्यू स्पॉट एंड आर सॉयल आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स बहुत लंबे टाइम के बाद देन आर सॉयल इज फॉम्ड सो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ साइयल इज फॉम्ड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वैदरिंग कहते जब ये वैदरिंग का प्रोसेस जो है जब चलता रहता है द लेयर्स ऑफ सॉइल कहते इनके कारण वैदरिंग के प्रोसेस के कारण जो ये प्रोसेस चलता रहता है रॉक्स टूटती रहती हैं टूटती रहती हैं सॉयल बनती रहती है तो लेयर्स ऑफ सॉइल जो है वो डिपॉजिट होती रहती है ठीक है द प्लांट्स ग्रो इन द दॉयल डाई एंड फाइनली गेट मिक्सड विद इट कहते हैं हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं कई बार प्लांट्स जो हैं वो हमारे डाई भी हो जाते हैं ठीक है मर भी जाते हैं अगर उनको प्रॉपर वाटर एयर जो भी सनलाइट वगैरह ना मिले दैन आफ्टर डाई देन दे फाइनली गेट मिक्सड विद द इट उसके बाद ये किसके साथ मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं ठीक है सिमिलरली स्मॉल लाइफ फार्म लाइक इंसेक्ट्स वाम्स एटसेट्रा ऑल्सो मिक्स इन दॉयल कहते छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह वाम्स कीड़े वगैरह ऑल्सो मिक्स इन द सॉयल दीज डेड प्लाट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड द सॉइल विद इट्स न्यूट्रिय एंड मेक द साइल फरटाइल कहते जब ये डेड प्लाट्स एंड एनिमल्स जैसे मैंने पहले ही बताया इंसेक्ट और वाम्स वगैरह भी मिक्स हो जाते हैं बेटा सॉयल में जब आफ्टर जब वो डेड हो जाते हैं ठीक है थीके? मरने के बाद ये छोटे छुट छोटे कीड़े मकौड़े ठीक है और प्लांट्स मिक्स होने के बाद सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स ठीक है और एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल उसके बाद हमारी सॉइल क्या हो जाती है फर्टाइल हो जाती है जब उस, उसमें न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं तो हमारी सॉइल फर्टाइल फर्टाइल का मींस होता है उपजाऊ हो जाती है ठीक है सो अथी क्लेयर ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सो इन दिस वे अथिक्लियर जो है सॉइल की वो फॉर्म होती है कहाँ पे अर्थ के ऊपर सो दिस वाज आर फर्स्ट सेशन पार्ट वन ऑफ चैप्टर टू होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट हाउ इट फॉर्म्ड कि ये कैसे बनती है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द लेयर्स ऑफ सॉइल की सॉइल की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इन डिटेल ओके सो योर टुडेज होमवर्क इज रीड पेज नंबर ट्वेंटी टू आपने ये पेज नंबर क्या करना है रीड करना है ओके थैंक यू